तो दर्शक दीर्घा में काफी सारे दर्शक और बड़े ही ध्यान से बड़े ही गौर से लोग सुन रहे थे पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन करने नेपाल काठमांडू। इतना बढ़िया दिव्य सा स्थान है, गए वहाँ पे 2 दिन टाइम लगा, खूब दर्शन किए, सुबह शाम सुबह रात पूरा शयन आरती सब कुछ, फोटो एक भी क्लिक नहीं हुआ मेरे से। आगे लौट के रुद्राक्ष उद्राक्ष का माला लेके लोग पूछे भैया हाँ प्रभु करा ही नहीं, तो लोग बोले भैया वहाँ गए थे फोटो वोटो, में बोला मैं तो क्लिक ही नहीं कर पाया। जैसा कि आपने देखा बीना दीदी ने बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दिया और उस जवाब में मैं समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं थोड़ा स्पिरिचुअल हूँ, लेकिन मेरे समझ के बाहर थी चीज़ें। और मेरे साथ साथ मेरे कई सारे दर्शक भी थे और कई सारे श्रोतागण भी थे जो कि दीदी को सुन रहे थे, और जो मुझे समझ में आया वो तो समझ ही लिया मैंने। आइए जानते हैं इन लोगों का क्या रिएक्शन है, इन लोगों का क्या थॉट प्रोसेस है दीदी के लिए, जो कि दीदी से कोई 10 साल से जुड़ा हुआ है, कोई 5 साल से जुड़ा हुआ है, और दीदी से कैसे जुड़े ये लोग, तो अपने अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरीके से आप जुड़ी और कैसा लगा आपको जुड़ने के बाद। तो पहले मैं शुरू करूंगा आपसे, आपका शुभ नाम क्या है? किरण। किरण जी, तो किरण जी हैं, और कैसा लगा दीदी से बात करके, कब से जुड़ी हैं आप दीदी से बताइए प्लीज। मैं दीदी से कहूँ तो 2013 से ही जुड़ी हूँ, तब शायद एक मेरी नज़र ही मिली थी उनसे। हाँ। लेकिन नज़र मिलने के बाद मैं दिल्ली आ गई, तो किसी के द्वारा मुझे इनके बारे में पता चला, तो मैंने आइडिए से इनका लगाया कि मैं हो ना हो वही शख्सियत है जिनसे मेरी नज़र मिली थी। और साल भर बाद मैं जब वापस मंदिर में गई तो मैं हम थोड़ी सी दूरी पर बैठे थे, किसी परिचित ने मुझे अपने पास बुलाया, दीदी उनके पास बैठे थे, मैंने जाते ही बोला आप वीना चावला हैं। अरे बाप रे। तो इस तरह से दीदी के साथ जुड़ाव, तो और मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन मैंने महसूस किए जो मुझे अब समझ में आने लगा कि ये परिवर्तन जो थे ना ये इनसे मिलने के बाद ही मेरे अंदर आए। जैसे कि हमारा ग्रंथ है उसको जब हम पढ़ते थे तो उसकी जो डीप मायने धीरे धीरे खुलने लगे, हालांकि तब तक मेरा इनके साथ इतना इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन मैं साल में एक बार जब गई तो इनके पास ही बैठी रहती थी और सुनती थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। और यहाँ तक ऐसा हुआ एक बार मैंने कहा मेरा तो सिर दर्द हो गया, मैं इनके पास नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर वापस मैं इन्हीं के पास जाके बैठी ऐसे 5-6 साल तक। तो आपका कहीं ना कहीं एक आत्मा का कनेक्शन रहा है दीदी के साथ, तभी जाके ये सारी चीजें संभव। अब जो सिचुएशन है उसके हिसाब से लगता है कि वो पहली नजर ही खींच के ले गई थी जे, जे। लेकिन दीदी से मिलने के बाद मैं शॉर्ट में बताऊंगी मैंने जो पाया। हम अभी तक परमात्मा को अपने से अलग मानते थे, लेकिन दीदी से जब हम मिले तो हमें पता चला कि परमात्मा हमसे अलग नहीं है, वो हमारे ही अंदर प्रकट होता है। और ये हमारा जो जीवन है, ये मनुष्य, अगर हम दीदी का सुना या आज से 400 साल पहले हमारे सद्गुरु प्राणनाथ जी आए उनका सुना, तो उनकी बीतक हम महीने साल में एक मंथ तक सुनते हैं, तो तब हमें समझ आया कि ये जो बीतक हम सुनते हैं ये हमारे को किस लिए सुनाई जाती है, कि मनुष्य से मौला बनने की यात्रा है, कि हर इंसान मनुष्य से मौला बन सकता है अगर वो इनके पद चिन्हों पर चले। और वो तो हमने सिर्फ सुना था, लेकिन दीदी के साथ हमने रह के उसको जिया। दीदी के साथ जो एक हम हफ्ते में महीने में मिलते रहे, उनकी रहनी को हमने जो देखा हर पल नजदीक से, तब हमें समझ आया कि जीवन कैसे जीना चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब, मतलब आप खूब फायदे में हैं हाँ दीदी से मिलने के बाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। जो हमारी पुकार थी ना, ये पुकार आज से नहीं है, ये करीब 15 साल से चल रही थी कि काश हम भी आपसे मिले होते। उसी पुकार को परमात्मा ने सुना और हमारे जीवन में वापस से प्रकट हुए। अब दीदी की इच्छा है कि मेरे अंदर जो प्रकट हुआ है ना, तुम अभी रुकना मत, उनके बताए मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं और कैसे जीवन जीना है, अपने अंदर कौन से चीजों को डेवलप करना है, कैसे हमें शांत रहना है, किस वो हम चाह रहे हैं कि जो दीदी ने पाया वो सेम। और दीदी जाती है, हम नहीं जाते। आप ये लालच बरकरार रखिए, जरूर आप पाएंगे। अंदर से पुकार निकलती है जैसे पहले निकली, बहुत बहुत अब भी निकल रही, और ये पुकार दीदी की ही है, हमारी नहीं है। वो
और मैं दीदी को दीदी नहीं बोलती, आज आपसे बात कर रही हूँ, ये द्रौपदी के सखा है, मैं द्रौपदी हूँ, ये मेरे सखा है। क्योंकि मैं आज अगर इनको प्रीतम बोलूँ तो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, तो मैं सखा शब्द को मैंने चूज किया क्योंकि मैं द्रौपदी हूँ, ये मेरे सखा है, कृष्णा है मेरे, और मैं इनको इसी नाम से पुकार। बहुत खूब, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपने अपने विचार रखे दीदी के लिए, और सही में आप बहुत ही लालायित हैं जानने के लिए, आप बहुत ही आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि और जाने दीदी के बारे में, और दीदी ही हैं जो कि परमात्मा से मिलवाएंगी, लगे रहिए आप, लगे रहिए, मैं तो यही कहूँगा। धन्यवाद। का शुभ नाम? मीना। मीना जी, मीना जी कैसे, कब से जुड़ी हैं आप दीदी जी से? मैं 2018 से। 18 से, ओके, नवंबर। अच्छा अच्छा, कैसे कैसे पहला एक एक अगर टकराव कहे दीदी से, कब? मैं एक्चुअली मेरे को किसी गुरु पे विश्वास नहीं था पहले। बहुत अच्छा। बिल्कुल भी नहीं, मैं कहती थी मेरे को गुरु अपना नहीं है, लेकिन मेरी दीदी की बेटी है वो कहती थी कि आप तारतम लो, तो मैंने कहा कि नहीं मुझे नहीं लेना, मुझे एक साल का टाइम चाहिए जी। तो उसके बाद थोड़े कुछ टाइम बाद मेरे को मेरे अंदर से कुछ उठना शुरू हो गया कि मुझे लेना है, मुझे गुरु अपनाना है, मुझे तारतम लेना है। तो मैंने अपनी सिस्टर की बेटी को बोला कि मुझे तारतम दिला, तो कहती है कि पहले तो मान नहीं रही थी और अब पीछे पड़ गई है। तो मैंने कहा मुझे मतलब दीक्षा, हाँ जी, मंत्र, मंत्र। तो वो मैंने May 29th को लिया और नवंबर में दीदी से मुलाकात हो गई जी। बस उसके बाद दीदी ने हमारा हाथ पकड़ लिया। बहुत अच्छा। उसके बाद मतलब आप आनंद में हैं दीदी से मिलने के बाद? बहुत आनंद। ये तो जैसे हमें जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, और ये सोच लो कि जैसे हमारे को हम किशोरावस्था में आ गए, बुढ़ापे से। इससे अच्छा क्या हो सकता है? जाना चाहते नहीं, नहीं बुढ़ापा तो आता ही नहीं, मतलब वो हाँ विचारों का बुढ़ापा होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी, आप बताएं। एक ही लाइन बोलूंगी, जब से तुम संग लो लगाई मैं बड़ी मस्ती में। अरे माय गॉड, ये तो फिर बहुत बढ़िया है, मतलब एक मुसीबत भी आ जाता है लो लगाने के बाद, प्रभु में अगर लो लग जाता है तो फिर ये वाली जिंदगी अच्छी नहीं लगती, फिर रोना ही आता है हमेशा। बहुत अच्छा। जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हो ना, जब अध्यात्म के मार्ग पे आप होते हो, तो आपको ये सांसारिक जीवन अच्छा नहीं लगता। कभी हर एक इंसान में कभी ना कभी वो अध्यात्म वाली चीज़ें नॉक करती हैं हर एक इंसान के जीवन में, और एक दिन नहीं करेगा, चार दिन बाद करेगा, एक आध साल बाद, कभी ना कभी ऐसा होता है जब वो दुखी होता है खासतौर से, तब अगर उस मोमेंट पे आप अध्यात्म मार्ग पे आ जाते हैं और उसी पे चलने लगते हैं, तब आपको ये सांसारिक जीवन अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आपने सोचा कि हाँ चलो होगा, दुखी था आप तो दूसरा चीज़ें मुझे जो जो मेरा डिमांड था, जो मेरी चाह थी वो मिल गया, इट्स ओके, फिर आप फिर से इन्वॉल्व हो जाते हो संसार में। तो मैं सिर्फ ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अध्यात्म से था, इसलिए मुझे ये फील आया, जो कि मैं आप लोगों के साथ सोचा शेयर करूँ, तभी बता रहा था। आप बताएं आपका शुभ नाम। प्रणाम जी, मेरा नाम वैसे हर्ष भगत है, लेकिन ये सब प्यार से सखियाँ मुझे डॉली कहती हैं। और मानुष जीवन का एक परम लक्ष्य है कि वो इस जीवन में ही परमात्मा को पा सकता है जी। और कहा भी है कि खाना पीना सोना ये तो पशुओं का है काम, बंदे में बस यही फर्क है जपे प्रभु का नाम। तो मानुष जीवन के लिए तो देवता भी प्रयासरत रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि मानुष जीवन में ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है जी। हम लोग बचपन से ही अध्यात्म में थे, जब से चलना सीखे हैं तब से माता की उंगली पकड़ के मंदिर जाना हमारा नियम था, लेकिन 2008 से हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हुआ। जैसा कि अभी किरण जी ने बताया कि हमारे धर्म में एक माह तक बीतक कथा होती है, जिसमें बंदे को बंदे से मौला बनने तक की किस तरह से हम लोग बन सकते हैं उसका हमारे को रास्ता मिलता है। हम लोग सुनते हैं कि हमारे हादी हमारे सदगुरु किस प्रकार से चले थे और किस प्रकार से
उन्हें उस परमेश्वर की प्राप्ति हो गई थी इसी तन में, इसी धरती पे आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व। हम लोग मंदिर जाते हैं, हमारे मेले भंडारे बहुत होते हैं, साल में कई होते हैं, लेकिन हम जाते जाते अब ऐसा लगने लगा था कि वहां जाके भी जो हमको शायद प्यास थी और वो बीतक कथा सुनते सुनते हमारे अंदर जो पुकार एक उठती थी उसकी प्राप्ति नहीं हो रही थी। हम जा रहे थे संत गुरुजनों से, सुन रहे थे लगातार, लेकिन फिर भी कुछ और चाहती थी, शायद हमारी आत्मा प्यासी थी, इसका हमें पता नहीं था। लेकिन वही ना कि कहते हैं कि अगर तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी प्रकृति उसको मिलाने के लिए तुम्हारा सहयोग करती है। तो शायद वो हमारे अंदर वो चाह थी जो हमें दीदी तक लेके गई। बीना दीदी उन्हें हम भी सखा कहते हैं प्रेम से, और उनके साथ मिलने के बाद हमें ये और खुलासा हो गया कि वास्तव में ही तुम्हारी पुकार अगर सच्ची हो तो परमात्मा आते हैं जी। और वो तुम्हें आकर के वो रहस्य खोल के बताते हैं जो तुम्हारे लिए आज तक अनसुलझे थे, बंद थे किताबों में, ग्रंथों में, लेकिन किस तरह से तुम एक सामान्य जीवन जीते हुए भी जी ऐसे सतमार्ग पर चलकर और उस परमात्मा को पाने की कोशिश कर सकते हो जी। और दीदी ने तो पाया है जी। वो कहीं बाहर से नहीं पाया जाता, क्योंकि हम सबके अंदर वो चेतन तत्व है, वो प्राण शक्ति है जिससे हम सभी जीवित हैं। तो अच्छा, प्राण शक्ति यहाँ पे एक आपको एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आप दिल्ली से ही हैं और आप गवर्नमेंट जॉब में हैं जी, जी। उसके बावजूद भी आप दीदी से जुड़ी हैं और बहुत बखूबी जुड़ी है, मतलब ऐसा नहीं कि एक फॉर्मेलिटी ही कर रही है ना, कहते हैं ना लव बिगेट्स लव, दिल को दिल से रहा होती है। अगर हमारे अंदर उसके लिए कुछ प्रेम था तो वो भी तो हमारे से प्रेम करता है ना, जैसे एक माँ या पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है तो हम उसी के ही तो अंश हैं। तो वो हम अगर हमारे अंदर उसके लिए प्रेम है, उसको पाना चाहते हैं, तो वो भी तो चाहता है कि ये मेरे तक आ जाए, तो वो मार्ग हमारे लिए खुद ही बनाते हैं। बहुत बढ़िया, तो आप खूब खुश हैं यहाँ दीदी से मिलकर। हमारा जीवन इतना सरल, इतना सहज हो गया है, घर का कार्य भी अपने आप धनी करवा देते हैं और अध्यात्म का कार्य भी करवा देते हैं और यहाँ दीदी के पास भी ले आते हैं, हमें खुद ही नहीं पता चल। बहुत बढ़िया, जहाँ पे गोष्ठियाँ होती हैं वो समाज ही कहलाता है। तो यहाँ पे लोग बड़े आनंद में हैं, मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ उनके मन की बातें निकल रही हैं और वो एक उनके अंतरात्मा की बातें अपने जुबान से बोल रही हैं जो कि आनंदमय है। वो एक कोई नॉर्मल रिप्लाई नहीं कर रही हैं, वो सिंपली जो उनके मन में चल रहा है वही बता रही हैं। तो आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, अगर आप रिलेट करोगे, दोबारा सुनोगे, तिबारा सुनोगे, लोगों को सुनोगे, उनकी आंखें पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा वो क्या बोलना चाह रही हैं। आइए मैं किसी और पर्सनालिटी से मिलना चाहता हूँ। तो स्वागत है डॉक्टर राजपाल का। डॉक्टर राजपाल एम्स में नेत्र विशेषज्ञ हैं और पिछले मेरे ख्याल से 4 दशकों से आप कार्यरत हैं सरकारी नौकरी में और दीदी से आप जुड़े हुए हैं। तो आप बताएं डॉक्टर साहब, आप कब से जुड़े हुए हैं दीदी से? मैं 7 जनवरी 2019 से जुड़ा हुआ हूँ, 2019 से, और काफ़ी दिन से मैं परमात्मा की तलाश कर रहा था। बहुत सारी टेक्निक मैंने मेडिटेशन की सीखी है। शुरू शुरू में मैं कहीं जाता रहा, लेकिन वहाँ पर जब मेरे अंदर से पुकार उठी तो कोई शक्तियाँ थी जिन्होंने मुझे खींचा कि अब यहाँ नहीं, कहीं और जाओ। तो उसके बाद फिर मैंने ओशो का प्रोग्राम किया, पूरा ओशो का पूरा सुना। उसके बाद ओशो के प्रोग्राम के वक्त मैं कहीं गया तो वहाँ देखा कि जो हमारे एक अंकल है, उन्होंने देखा कि इसके अंदर थोड़ा अंकुर है जी। तो उन्होंने कहा नहीं, आप जो ना तारतम मंत्र ले लीजिए, जो कि प्राणनाथ जी सेक्ट या प्रणामी समाज का। मैंने ली और 2 साल तक उसका जो वाणी है कुलजम स्वरूप को उसका अध्ययन किया। फिर किसी ने बताया कि पन्ना जी के अंदर पूर्ण पार ब्रह्म का जो मंदिर है वहाँ पे आपकी मनोकामना पूरी होगी, वहाँ पे परमात्मा मिलेगा जी। तो 18 दिसंबर के अंदर, 25 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक मैं वहाँ रहा। तो रात को ठंड बहुत थी, रात को पुकारता था कि परमात्मा है कहाँ, पर एक दिन एक इनमें से बैठे
कोई लेडी है जिनको मैं भी नहीं जानता था, जी जी जी, मतलब सुंदर साथ है। उन्होंने कहा यहाँ तक तो आप आ गए, अब इससे आगे आपको जाना है, तो 7 जनवरी 2019 को आप जो है दिल्ली के अंदर मिलिएगा टैगोर गार्डन में। जी, अच्छा। तो मैं तो हाँ, तो मेरी तलाश रहती थी और ये सच्ची पुकार थी मेरी कि है कहाँ, क्या बात है। तो फिर मैं गया, दीदी से मिला 8 बजे और 7 घंटे तक यही परमात्मा की चर्चा होती रही। और इनके मिलने के बाद इन्होंने वो कंसेप्ट खोले कि भाई परमात्मा अंदर ही है, लेकिन आपको प्योर होना होगा, आपको जो इम्पोर्टेंट चेंज है कि बाकी जगह तो लोग कहते ध्यान करो, 2 घंटे ध्यान करो, हाँ। सवेरे शाम ये करो वो करो, उल्टा लटको, पूरी रात जागो। बिल्कुल। मैं करीबन 7-8 साल तक पूरी रात जागता रहा परमात्मा की तलाश के लिए, क्योंकि फकीरी लाइन में रात को जागना होता था। जी जी जी। लेकिन मेरी पुकार सच्ची थी, एक रात को मेरे को सच्चे दिल से पुकार हुई कि परमात्मा है तू है कहाँ। उसके बाद परमात्मा ने मेरे को अपना टर्न ला। उसके बाद दीदी ने जो बताया कि कर्म पे ज्यादा जोर दिया कि कर्म को इबादत मान लो, जो कि पहले नहीं था। तो दीदी क्या कहती कि अपना कर्म, हॉस्पिटल का काम पूरा करो, निष्काम करो, लिप्त मत हो, अपने काम को धैर्य से करो और ज्यादा आसक्ति मत रखो किसी में जी। और अंतर मत रखो। तो ये बहुत सारी जो अंदर जो चीज बेसिक नेसेसिटी थी, जो आत्मा के गुण थे, मतलब हमें पता ही नहीं था, हम तो सिमरण करते रहते थे किसी ना किसी चीज का। लोगों ने कहा राम का सिमरण करो, परमात्मा का सिमरण, बस सिमरण ही है। लेकिन जो अपनी प्योरिटी लानी है, अपने अंदर प्योरिटी लानी है, प्रेम लाना है, निष्काम प्रेम लाना है, लोगों से प्रेम करना है, अंतर नहीं करना, ड्यूटी पूरी करनी है, ये चीज दीदी से सीख। सबसे बड़ा बदलाव क्या है कि पहले तो हम अधिकतर टाइम पहले ध्यान में बिताते थे जी। लेकिन दीदी ने कहा जीवन जीते जीते उसको प्राप्त किया जा सकता है। और उसमें मैंने देखा कि दीदी ने अपने पे काम करने के लिए कहा, मोह के ऊपर और अहंकार के ऊपर, और ये दो जगह घर में और डिपार्टमेंट में इनको देखा जा सकता है। अनलेस कि उससे देखोगे नहीं कैसे पता चलेगा। बीच बीच में दीदी गाइड करती रहती थी, तो जो हम विचलित हो जाते थे, टेंशन हो जाते, स्ट्रेस हो जाते, जो कि आजकल है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। एक जिंदगी मस्ती में हो गई, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन साथ में दीदी अपने आप को प्योर करने के लिए, कि प्योर हो, परमात्मा तो अंदर ही बैठा है। फिर डिटेल में हमने वाणी में पढ़ा, बाकी ग्रंथ सब में लिखा है परमात्मा अंदर है, लेकिन जब तक कि कोई जीवन सतगुरु नहीं मिलता, वो जब तक समझाया नहीं जा सकता। जीवन सतगुरु आपको ऐसे तराशता है जैसे कोयले को तराशते हैं, हीरे को तराशते हैं, और उसको एक बहुत बड़ी चीज बना देते हैं, कोहिनूर का हीरा बना देते हैं। उसके बाद इतना आनंद आया, मतलब ये बताता हूँ, दीदी से मिलने पहले सिमरन करते थे, ध्यान में बैठते थे, वो टेम्परेरी होता है 2 घंटे। दीदी से मिलने के बाद वो टेंशन ही खत्म, टेंशन खत्म, एक आनंद रहता है। हम अंदर से डांस कर सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं और खुशी में रह सकते हैं, जो पहले नहीं था। कोई भी छोटी मोटा दुख आता था, जैसे कि मेरा टर्निंग पॉइंट क्या हुआ, परमात्मा जिसको लाना चाहता है ना उसको दुख देता है। और उस वक्त मतलब हम कहीं बहुत ज्यादा अटैच थे, इतना थे कि मतलब सब कुछ कुर्बान था हमारा, लेकिन परमात्मा ने देखा इसकी भावना सच्ची है और उसने फिर हमें कुछ दुख दिया। दुख कुछ नहीं था, लेकिन वो उस वक्त दुख लगा, और उस वक्त दुख लगा, लेकिन बाद में अब पता चला कि वो दुख इसलिए था कि मुझे परमात्मा चाहता था कि मेरा अहंकार टूटे और मैं परमात्मा की लाइन में आऊं, मैं सर्च करूं और देखूं। नहीं तो अगर वो चीज, जैसे कि क्या है कि आजकल फेथ हो जाता किसी चीज पे, काफी लोग मेरे साथ जगह जगह गए, वो वहीं अटक गए जी। कहने वाले उनके किसी के बच्चा, किसी को नौकरी लग गई, किसी के प्रमोशन हो गया, वो वहीं अटक गए, किसी के पैसा आ गया, किसी को घर बन गया जी। और मेरे साथ ऐसा हुआ, और मैं बताऊं, गुरु कोई भी हो, तुम्हारी भावना देखी जाती है। तो जब मैंने भावना प्रोफेसर का इंटरव्यू था, तो मेरे दिल में था कि मेरे सतगुरु मिले, ये मतलब दुनियावी चीजें ना मिले, और इसके बारे में मैंने बड़ा सेक्रीफाइस किया, अंदर से तड़प थी कि सतगुरु मिले, परमात्मा मिले। प्रोफेसर तो हम बन ही जाएंगे, परमात्मा वही किया, दोनों चीज कर दी साथ में। लेकिन वो थोड़े दिन उसने दुख दिखलाना था, दुख क्या था, उसको देखना था कि तुम्हें सर्च करना है कहीं और। तो उसके बाद जब दीदी मिली, उसके बाद इतना आनंद हुआ, धीरे धीरे दीदी से सुन के उन्हें इतना तराश है, इतने आनंद है, इतनी खुशी है। अब दुनिया में कुछ भी हो जाता है, हम टेंशन फ्री रहते हैं। आजकल डॉक्टरों को टेंशन और डिप्रेशन बहुत ज्यादा सीरियस है, तो उससे क्या होता है कि मेरा भी प्रभाव बच्चों पे पड़ा है, अपने स्टूडेंट पे पड़ा है, उनको भी कहता है कर्म पूरा करो, ज्यादा टाइम लेके करो, लेकिन टेंशन मत हो, क्योंकि कुछ भी तुम्हारा काम कर्म करना है, तो जैसा गीता में लिखा हुआ है, तो कर्म करो और फल की इच्छा छोड़ो। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, डॉक्टर साहब को एक अच्छे डॉक्टर मिल गए। जी जी जी, मैं 2 बातें करूंगा कि तुक्का कैसे लगा परमात्मा। एम्स का जो मोटो है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम,
मैंने इसको पढ़ा, मैं सरप्राइज रहा कि हमारा जीवन का लक्ष्य ये शरीर इसलिए मिला कि ब्रह्म में लीन हो जाए, एनलाइटेंड हो जाए। मैं तुक्के से लोगों को बताता रहता था। और दूसरा हमारा आरपी सेंटर का मोटो है तमसो माँ ज्योतिर्मय, इसके पहली लाइन है ऐसे तो माँ सदमय। इसको डिटेल में गई कि सारी दुनिया असत्य है, बिल्कुल, और असत्य पढ़ रहे थे इम्प्लाई। अब दीदी आ गई तो कहती है सारी दुनिया असत्य है, मतलब जब कोई एम्फेसाइज करता है कि सत्य कोई और चीज है, जब सत्य में जाओगे तो तुम्हारा आनंद ही आनंद आएगा। तो ऐसे तो माँ सदमय तमसो माँ ज्योति, तमसो माँ ज्योति अंधकार है, सारा अंधकार है, अंधकार के अंदर अंधकार ढूंढ रहे हैं। और तीसरी लाइन है उसकी के जो है मृत्युम्य अमृतम्य, मतलब मृत्यु से अमृत की तरफ, मतलब समझ, मतलब कोई जाता ही नहीं पढ़ता ही नहीं कि मृत्यु, मतलब ये मृत्यु लोग है, मरे हुए हैं, बिल्कुल। और इससे अमृत, अमृत्य, अमृत सूरत क्या है? तो दीदी ने एक्सप्लेन किया, मैं अमृत सूरत किया, हम खुद अमृत सूरत है, हम खुद परमात्मा बन सकते हैं, हम कुछ जो हमारे अंदर जो शक्ति है उसको जागृत करते हैं। और एक गुरु और सतगुरु का यही है कि वो उस व्यक्ति और विद्यार्थी के अंदर से, स्टूडेंट के अंदर से वो छुपी हुई शक्तियों को निकाले, ना कि वो आशीर्वाद से। अब तक मैं यही सोचता था कि गुरु आशीर्वाद देता था, उनके उनके आशीर्वाद देता था, रेज निकलता रहता था। मैं खुद बताऊं, मेरे को इतने आशीर्वाद में इतनी खुशी होती थी कि मैं सोच ही नहीं सकता था कि दुनिया में और भी कोई चीज है। और यही चीज आज अधिकतर सेक्ट में है कि लोग रिजिट हो गए हैं। धर्म जबकि विराटता देता है, धर्म प्रेम देता है, विराटता देता है, लेकिन हम रिजिट हो गए कि मैं इसको मानता हूँ, इसको मानता हूँ, इसको मानता हूँ। इसी चक्कर में आजकल का जो यूथ है वो बड़ा कंफ्यूज है कि किसको माने। इसलिए आप इस यूथ को अगर समझाना है तो उसको नए सिरे से धर्म को साइंटिफिक तरीके से समझाना है, ताकि यूथ लोग भी थोड़ा बहुत इस समझ पाए और अंदर का जो जिस जो लक्ष्य मिला है जीवन का, कि अपने आप को जानना, अपनी आत्मा को जागृत करना, एनलाइटन करना। और सरप्राइज, गौतम बुद्ध का जन्मदिन आता है, गुरु का, गुरु नानक का, कबीर का, कोई बच्चे पढ़ते नहीं, तो मैंने ये जागृत किया आरपी सेंटर में, पढ़ो बुद्धत्व क्या है। दीदी ने समझाया, हम इतने दिन से गौतम बुद्ध बैठे हुए हैं, उसकी मूर्ति लगा के पूज रहे हैं, लेकिन बुद्धत्व क्या होता है वो दीदी ने हमें समझाया कि आप एनलाइटन बुद्धत्व जो चाहते थे गौतम बुद्ध, ये बहुत बड़ी बात है। गौतम बुद्ध आए और ओशो के बारे में हमने 90 में सुना था, लेकिन हमें सरप्राइज 30 साल लगे ओशो को पढ़ने के लिए। और ये स्थानांतरण तब हुआ जब 21 मई जो ओशो का जन्मदिन होता है उस दिन मैंने एक प्रोग्राम रखा है जिसमें 3 लोग आए, उसमें से एक ऐसा स्टूडेंट आया जो ओशो को पढ़ रहा था पिछले 1 साल से। तो परमात्मा जैसे जैसे आपकी लाइकिंग होती है वैसे वैसे लोग, ये कहते हैं ना, पॉजिटिव एनर्जी खींचती जाती है और वैसे वैसे लोग मिलते जाते हैं। अगर आप शराबी हैं तो शराबी लोगों से मिलोगे, प्रेमी हैं तो प्रेम के लोग मिलेंगे। बिल्कुल राइट, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपनी बातें रखी। बोलो ना प्यारे की, और आप, आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल आनंद में हैं और आपको एक सही अच्छे डॉक्टर की पहचान हो गई जो कि आपके इलाज कर रहे हैं। और तो हमारी हिपोक्रेटिक ओथ होती है, अब समझ में आई जी, और सारी चीज लिखी है कि पेशेंट को निष्काम भाव से देखना चाहिए जी। लेकिन अब समझ गए कि जब तक जीवन सदगुरु नहीं आता ना, और जब तक वो बोलता नहीं आपको, आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो आप। बिल्कुल, और दीदी का आशीर्वाद रहेगा पक्का, वो आपको एक ना दिन साक्षात्कार जरूर करवाएंगे। एक लाइन और मैं बताऊं, जी जो ना अपने पे नहीं लगाती, हम शुरू में भावुक हो जाते हैं, मिजाजी इश्क होता है कि सतगुरु है, उसकी फोटो देखेंगे, प्रेम करेंगे। मैंने देखा, मैं कहीं जाता था तो काफी सवेरे सवेरे लोग, लेडीज जो है ना, रात भर रोती रहती थी उस सतगुरु के फोटो। दीदी ने कहा नहीं, ये वजूद है, ये बाहर का है, ये तो शरीर है, विनाश हो जाएगा, इसके अंदर जो ताकत है उसको ढूंढो। तो कितना बड़ा बात है, गुरु लोग कहाँ फंसाए हुए हैं, अपने शरीर में फंसाए हुए हैं, अपनी अपने चेहरे को हर जगह लोग लॉकेट बना के घूम रहे हैं। और कितनी बड़ी बात है ये, तो जब तक जीवन सतगुरु नहीं आता वो अपने से हटाता है, वो तो कहता है तुम्हारे अंदर सतगुरु बैठा हुआ है, तुम एनलाइटन हो सकते हो, और जब तक तुम एनलाइटन नहीं हो बाहर का दुनिया में देने वाला कोई पैदा हुआ। मैं बस इसी पे आना चाह रहा था डॉक्टर साहब जी, कि लोग गुरु में आशक्ति आ जाती है जी, 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 हाँ बहुत ज्यादा, वो लॉकेट बना के पहनना, उन उन उनके लिए रोना, जबकि वो गुरु आपको परमात्मा से मिला रहे हैं, लेकिन पता चला वो गुरु से ज्यादा, गुरु में ही आशक्ति उनकी आ जा रही है, ये बहुत बड़ा चैलेंज। लोगों का एनवायरमेंट ऐसा है आसपास का, यही खुदा है, मांग लो इसी ने तो रहना है वहाँ, मरने के बाद यही तो मिलेगा, तो हम कुछ भी करते रहते हैं, अपने को चेंज नहीं करते। तो यहाँ पे एक इसमें जागरूक होने की जरूरत है, एंड आप जैसे इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी रहेंगे और हम जैसे प्लेटफॉर्म रहेंगे, तो क्या पता ये सब चीजें अगर हम
लोग पब्लिक तक डाले हैं और लोग सुने देखेंगे नहीं, मैं ये भी बता, तो बिल्कुल ऐसी जागरूकता आएगी, कोई गलती नहीं होती, गुरु आपको तरासता है, प्राइमरी स्कूल का टीचर, सेकेंडरी प्राइमरी, तो हर आदमी ने मैं तरासा, इसलिए मेरे लिए गुरु, गुरु एक तत्व है, वो कोई शरीर नहीं है, वो गुरु रहे गुरु चला जाए, लेकिन उनकी कही हुई बातें जो है उसी के हिसाब से अगर आदमी जिए तो फिर तो परमात्मा की प्राप्ति संभव है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपनी बातें रखी और हमें यहाँ तक लाने के लिए मैं आपको विशेष धन्यवाद देता हूँ जी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बीना दीदी के जो जो मानने वाले लोग हैं जिनको मैं मिला और मैंने भी सुना उनकी बातें आप तक रखी। जो मुझे समझ में आया वो ये समझ में आया कि लोग अपनी अंतरात्मा से अपनी बातें कह रहे हैं, जो लोग कहीं और जुड़े हुए थे उनको कहीं ना कहीं एक रिग्रेट भी है, उन्होंने भी अपनी बातें रखी। और कोई ऐसा नहीं कि एक एक भेड़ चाल की भाषा में या एक बड़ी तगड़ी भीड़ है जिनको कुछ नहीं पता, चलो बाबा है सब लोग दर्शन करने, वो यहाँ की पर्सनैलिटी, यहाँ की जो लोग हैं वो लोग नहीं है, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनको समझ आता है चीज़ों का, और उस समझ के साथ अगर बीना दीदी को अपनाया है तो ये एक समझने वाली बात होगी। इसी समझ के साथ, इसी बीना दीदी की बातों के साथ, बीना दीदी के विचारों के साथ मैं आज इस प्रोग्राम को यहीं पे विराम देता हूँ और कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट एपिसोड में किसी ऐसे ही व्यक्तित्व को लाएं ताकि वो व्यक्तित्व भी अपने विचारों को पब्लिक तक रखेगी जो कि जनता के लिए, समाज के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद देखने के लिए, बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। खुश रहिए, नमस्कार।